subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. भारत के जाने माने कलाकार कमल हसन ने कल ही अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। कमल हसन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डालकर बताया है कि उनकी नई पार्टी का नाम मक्कल निधि मय्यम होगा। कमल हसन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मक्कल निधि मय्यम नाम से बनी नई पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। यह समाज में वो बदलाव लाने आई है जिसका सपना हम सब देखते हैं। हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। कमल हसन ने अपनी पार्टी के नाम के साथ इसका झंडा भी जारी किया है। इस झंडे में 6 हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए दिख रहे हैं। इन 6 हाथों में 3 तो लाल रंग के हैं और 3 सफेद रंग के। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी तमिल कलाकार ने राजनीति में कदम रखा है। कमल हसन से पहले भी कई जाने माने तमिल कलाकार राजनीति का रुख कर चुके हैं। उन सभी कलाकारों ने समाज में बदलाव की बात की थी, लेकिन आखिरकार वो भी राजनीति के रंग में रम गए। हालांकि कमल हसन का कहना है कि उनकी पार्टी आम लोगों की पार्टी है जो समाज में बदलाव लाने आई है। जब कमल हसन ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने भाषण देते हुए जनता से कहा कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों के बदलाव की राजनीति का साथ देते हुए आम आदमी पार्टी को चुना, वैसे ही आप भी कमल हसन की पार्टी से जुड़कर समाज को बदलने में मदद करें।